दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है और ये एक यूट्यूबर है और गाइस यूट्यूब से इतना सारा पैसा कमाता है जिसको देखने के बाद आप लोग यहाँ पे चौंक जाओगे। और हाँ भाई यहाँ पे मिनी ब्लॉग बनाता है, जैसे तुम्हारा भाई मिनी ब्लॉग बनाता है ऐसे सेम मिनी ब्लॉग बनाता है। तो गाइस सबसे पहले भाई को स्वागत है हमारा चैनल पे। शुक्रिया शुक्रिया इतना दूर से बुलाया मुझे। तो गाइस मेरी घर है बहुत दूर और मैं आया हूँ सिलीगुड़ी और इनका घर सिलीगुड़ी पे ना। हाँ, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी का यूट्यूबर है तो सारे चीज पूछताछ करेंगे कैसे क्या करता है, कैसे मैनेज करता है, ठीक है, और यूट्यूब से कितना पैसा कमाता है, ठीक है, व्यूज अच्छा खासा आता है, ठीक है, पैसा कितना मिलता है सब कुछ वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये मेरी पहली पॉडकास्ट वीडियो से और कुछ अलग तरीके से हम लोग ट्राई कर रहा हूँ। तो सब कुछ ठीक ठाक है ना? एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रियल नाम या मेरा यूट्यूब का नाम बताओ? दोनों ही बता दो। मुझे तो ऐसे रियल सोनू बोल के जानते हैं सब। मेरा नाम है केकरेस। अच्छा, चैनल का नाम है केकरेस? केकरेस। अच्छा, तो चैनल पे कितना सब्सक्राइबर्स है? सब्सक्राइबर 5 लाख। 5 लाख के करीब यहाँ पे सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। 5 लाख होने वाला है। 5 लाख होने वाला है। तो ये 5 लाख सब्सक्राइबर कितना दिन पे कम्प्लीट किया तुमने? ये लगभग 3 महीना। 3 महीने से काम कर रहा हूँ, मतलब 3 महीने से काम कर रहा हूँ, जस्ट यूट्यूब में आया हूँ 3 महीने से। देखिए दोस्तों 3 महीने में 5 लाख सब्सक्राइबर यहाँ पे इकट्ठा किया, 3 महीने में सिर्फ। तो गाइज आप लोग बोलते हो मेरे चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, सब कुछ पूछेंगे भाई कैसे अपने वीडियोस को वायरल किया, ठीक है, सब कुछ पूछेंगे। तो वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाम तो आपने बता दिया, कहाँ पे रहते हो? सिलीगुड़ी। वो भी बता दिया, ठीक है। आप क्या काम करते हो? मैं तो पहले मछली बेचता था। मछली? अभी मछली बेचते हो? अभी मैं मछली को पार्ट टाइम रखा हूँ, यूट्यूब में सीरियस हूँ। अच्छा, मतलब देखो दोनों चीज को मैनेज करता है, ठीक है। मछली मैं करता हूँ पार्ट टाइम, ऐसे पार्ट टाइम करता हूँ। सुबह जाता हूँ 5 बजे से 11 बजे तक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब में फुल फोकस यूट्यूब में है मेरा। देखिए जोश पता है, फ्यूचर इसी में है। देखिए जोश, देखिए यूट्यूब में बहुत पावर है, आपको भी पता है, सबको पता है यूट्यूब में बहुत पावर है। गाइस ये जो देख रहे हो कैमरा, ठीक है, जिससे भी वीडियो शूट हो रहा है, आईफोन से शूट हो रहा है, 1.5 लाख की फोन मैंने लिया, तो बहुत पावर है गाइस यूट्यूब। एंड भाई यहाँ पे काम भी करता है साथ साथ यूट्यूब भी करता है, ठीक है। और ये चीज बताना चाह रहा था कि तुमने जो चैनल स्टार्ट किया था तुमने, तो किसको देख के इंस्पायर हुआ था? ठीक है, कोई ना कोई किसी को देख के तो इंस्पायर होता है कि हम भी यूट्यूबर बनेंगे, हम भी डॉक्टर बनेंगे। किसको देख के इंस्पायर हुआ तुमने? देखो या फिर खुद से आ गया था बनने का? ऐसा मैं इंस्पायर हुआ, फर्स्ट जो ब्लॉग देखा था ना, मैं फर्स्ट ब्लॉग मैं यूट्यूब में मैं ब्लॉगिंग देखता नहीं था। अच्छा। यूट्यूब जस्ट देखता था, ब्लॉगिंग देखता नहीं था। मैं वो टेक्निकल वीडियो देखता था। अच्छा। टेक्निकल वीडियो, फिर वो हो गया फैक्ट देखता था, फिर वो चैलेंजिंग वीडियो देखता था। तो एक दिन तुम्हारा वीडियो आ गया, मतलब आपका वीडियो एक दिन आ गया मेरे सामने। अच्छा। तो वो तुम्हारा मम्मी का तबियत खराब था, सिलीगुड़ी आने वाले थे, मम्मी का तबियत खराब था, तो वो वाला वीडियो मैं देखा। तो हम देखा जो हाँ ये चीज कुछ यूनिक चीज कर रहा है बंदा, कुछ यूनिक चीज लाया है। तो मैं वही उसी को फॉलो करके उसी दिन नहीं मतलब उसका 1-2 हफ्ता बाद मैं चैनल खोला, अपना चैनल खोला। उसके बाद से मैं रेगुलर तुम्हारा वो टेक का चैनल भी देखता था, रेगुलर वीडियो डालो जिससे तुम्हारा फायदा होगा। तो मैं रेगुलर बनने लग गया। रेगुलर एक दिन मैं मिस नहीं करता था, एक दिन मतलब मैं खाने भूल जाऊँ लेकिन वीडियो चाहिए, वीडियो बनाए। ऐसा नहीं, अरे शुरू में नहीं आ रहा है, जैसा नहीं आ रहा है तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं मेरे को नहीं आ रहा है, मैं जैसा आ रहा है वैसे छोड़ रहा है, जो मुझे आ रहा है वही छोड़ रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू। मैं भी वैसे किया, मुझे बात करने का तरीका तक नहीं था, मतलब कैसे बोलूं, कैमरा के सामने आने में डर लगता था, अभी तक मैं डरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ जो यूट्यूब का पावर है। इसी से मेरी रोजी रोटी चलता है। अगर मैं डर गया तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं हार गया ऐसे चल जाऊंगा जिंदगी से। डरना नहीं, कॉन्फिडेंस लाना होगा, ठीक है। मेरा एक बात, मैं कुछ बनू या ना बनू, कम से कम मेरा खुशी रहेगा जो मैं कोशिश किया। हर कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है, ठीक है। ये बात तो रिजल्ट तो मिल गया, ठीक है। देखो 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाला, इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कोशिश करते रहो। हाँ। कोशिश करो यार, जब मुझसे हो सकता है इससे हो सकता है। हाँ। आप लोगों से क्यों नहीं हो सकता? वही गाइस, मैं 6 साल से काम कर रहा हूं। आप भी इस दुनिया में रहते हो, मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ, मैं भी दाल चावल खाता हूँ, आप भी दाल चावल खाते हो, मैं भी सांस लेता हूँ, आप भी सांस लेते हो, तो क्यों नहीं होगा दोस्त? सबसे होगा। देखो कितना मोटिवेट कर दिया यार तुम लोगों को। ये भी आम लड़का ही था, मैं भी आम लड़का था, क्या था, कुछ नहीं था। वही तो, मैं सुबह अपना काम करता था, ये अपना स्कूल ट्यूशन, ये दोस्त लोगों के साथ घूमते रहते थे, कुछ ऐसा। वही चीज दिखाओ ना, जो चीज कर रहे हो दिखा दो, ठीक है। जो करो यार, जो खाली फोन निकालो, वीडियो बनाओ, छोड़ते रहो। अगर किस्मत पलट गया या फिर वीडियोस वायरल हो गया, किस्मत नहीं, तुम्हारा किस्मत पलटेगा ही, लिख के देता हूँ मैं, लिख के देता हूँ। और पैसा भी कमाओगे तो ठीक है, पैसा तो ढेर सारा। ये चीज तुमने एकदम अच्छी चीज बता दिया, मोटिवेट भी कर दिया हमारा ऑडियंस को। तो मोटिवेट होके रहना पड़ेगा, खुद से मोटिवेट खुद को रखो, जो हाँ मैं मुझे अपना लिए कुछ नहीं करना है,
अपना फ्यूचर, अपना फैमिली। कौन बंदा आज का डेट में नहीं चाहता जो हाँ अपना फैमिली को अच्छा रखो, अच्छा लाइफस्टाइल दूं। अगर फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हो, माँ पापा को, भाई बहन को, दो भाई, हम मैं बोलूंगा सोशल मीडिया, ये नहीं बोल रहा हूँ, तो यूट्यूब में काम करो। तुम यूट्यूब में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत सारा है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारा है, जहां भी काम करो। यही काम करोगे तभी कुछ। अगर सुनो, मेहनत नहीं करोगे तो कहां से होगा, बोलो। वही तो मेहनत कर रहा होगा। अब तुम चावल बना, अब तुम भात जो खाते हो उसको बनाने के लिए भी मेहनत लगता है। अब रोटी खाते हो, जो रोटी खाते हो तो क्या करते हो, आटा लेते हो, आटा को सानते हो, उसके बाद बेलते हो, उसके बाद बनाते हो, उसके बाद खाते हो, वो आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो, तब जाके खा रहे हो। वही तो मेहनत करना होगा, मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता है। तो देखो कितने यार, कितना मोटिवेट कर दिया यार, हमको मोटिवेट कर दिया, हम डिमोटिवेट हो गया था, मुझे मोटिवेट कर दिया। तो खैर कोई ना, अच्छे तरीके से बता दिया। और एक चीज पूछना चाहता था यार, तुम्हारा घर में कौन कौन है? मेरा घर में सिर्फ मेरा मम्मी है, मेरा मम्मी है, मैं हूँ बस। अच्छा, मुझे घर का मतलब, मैं है ना 2017 से मुझे घर का पूरा जिम्मेदारी मेरा सर पे आ गया था। 2017 से मैं दोस्त क्या बोलूं, 2017 से पूरा घर का जो जिम्मेदारी होता है ना, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। मेरा पीछे कोई नहीं है, पापा नहीं है, बहन भी नहीं है, कोई नहीं है, इकलौता मैं हूँ। तो काम मेरे को ही करना था ऐसा ही सब कुछ। और मैं भी एक वो नहीं हूँ जो अच्छा सा घर से बिलोंग करता हूँ, मैं गरीब घर से हूँ, मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन गरीब मैं पैदा हुआ, लेकिन गरीब मना नहीं चाहता हूँ। हाँ, वो तो ठीक ही है, गरीब पैदा हो गया हूँ, चलो गलती से या पैदा दिया भगवान ने, शुक्रिया भगवान को जो हाँ जन्म दिया, तो कुछ करके जाएगा, जाएगा तो इस दुनिया से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गाइज चैनल का नाम है किक्रिस भाई, ठीक है। अभी हम अर्निंग जानेंगे, अर्निंग कितना होता है, क्योंकि सब लोग किसी के लिए वेट कर रहा था कितना कमाता है भाई अभी, क्योंकि देखा ठीक है कब से YouTube शुरुआत किया, 3 महीने में चैनल ग्रो कर लिया और साइड में काम भी करता है, तो आखिर कमाता कितना है YouTube से। तो ठीक है, एक चीज बताना चाह रहा था, तुमने जो YouTube चैनल ओपन किया था उससे पहले क्या कोई चैनल था या फिर ये वाला ही? ना ना, 2017 में एक चैनल खोला था, गेमिंग चैनल मेरा था। अच्छा, वो सब चैनल था। ठीक है, गेमिंग चैनल कोई ना। तो मतलब पेमेंट पहली इस चैनल से आया? इस चैनल से आया। तो अभी तुम्हारा मंथली पेमेंट कितना बन जाता है मंथली? ठीक है, मंथली अगर कहना चाहते हो तो बोल दो, ठीक है, मोटिवेट हो जाएगा मेरी ऑडियंस। मंथली बोल दो। हाँ बोल दो, कितना हो जाता है? बोल दो। हाँ बोल दो ना यार। अरे मैं महीना का उतना ज्यादा नहीं आता है, ये जोड़ जार के किसी महीना आ जाता है $400, मतलब 3 महीना का पेमेंट बता रहा हूँ मैं। हाँ, 3 महीने से जो आ रहा है। हाँ, मेरा फर्स्ट मंथ का पेमेंट है कितना आया था वो 400 पार कर चुका था। अच्छा, मोनेटाइज कब हुआ था, कौन सा डेट पे मोनेटाइज हुआ था मेरा? ये 3 महीना हुआ मेरा चैनल का। हाँ, तो मोनेटाइज हुआ मेरा 2रा महीना, सेकेंड मंथ में मेरा मोनेटाइज हुआ। मोनेटाइज होने के बाद मेरा पैसा आया था $400 से थोड़ा ज्यादा, कुछ $400 से कुछ ज्यादा। उसके बाद से अभी कंटिन्यू हुआ रहा है। अभी कंटिन्यू कितना आ रहा है एवरेज? एवरेज अभी एवरेज पकड़ू तो $150। देखो $150 यहाँ पे कमा रहा है जस्ट अपने लाइव स्टाइल को दिखा के, ठीक है, क्या काम करता है या फिर वो भी गाइस 1 मिनट का ब्लॉग, ठीक है, मैं भी 1 मिनट का ब्लॉग बनाता हूँ, आप लोग देखते हो, ठीक है, मेरी मिनी ब्लॉग चैनल। तो देखो यार, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत करना होगा, करो यार, आप लोग भी करो। अगर मिनी ब्लॉगर बनना है तो मिनी ब्लॉगर बनो या फिर दूसरा कुछ करो, लेकिन यूट्यूब एक अच्छी चीज है। और तुम्हारे पास तो फेसबुक वगैरह ये सब नहीं है ना? फेसबुक है मेरा, उससे अर्निंग तो नहीं होता ना उसमें। उसमें मैं अभी अभी उतरूंगा मैं काम पे, मैं तो अभी हाल फिलहाल नया हूँ। अच्छा ठीक है, देखिए वो सब वीडियो क्या करना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल देना यार, पैसा मिल जाएगा जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, हर एक प्लेटफॉर्म से मुझे अर्निंग हो ही जाता है। फेसबुक से मेरी 2 महीने जोड़ के $100 हो जाता है जैसे वैसे, क्योंकि फेसबुक में मैं क्या करता हूँ वही वीडियो उठा के वहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखो यार, अर्निंग बता दिया और कैसे कहाँ पे आया और घर का स्थिति। तो गाइस मैं आप सभी लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हो तो यार मानना नहीं यार, ठानना पड़ेगा यार, जल्दी से उतरो यार, टाइम खत्म हो जाएगा अभी यार, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। उम्र अभी है यार, उम्र अभी है, जब कमर का हड्डी टूट जाएगा तब खड़ा होकर कोई फायदा नहीं है। अब चलिए, शरीर में खून बह रहा है तो काम लगा, काम करो, ये करो, पैसा कमा रहा है, देखो आप भी पैसा कमाओ, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। तो यार पैसा बहुत है YouTube में यार, पैसा बहुत है, पैसा तो बहुत है, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा। और अगर गाइस देखो, अगर आपको स्पॉन्सर मिलना शुरू हो गया ना तो यार और भी पैसा मिलेगा, अभी तो भाई को स्पॉन्सर नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन मैं देखो मैं होप रखा हूँ मिलेगा। हाँ, जानता हूँ मिलेगा, मिलना है, बस खाली काम अपना दिखाना है खाली। ठीक है दोस्तों, यही था छोटा सा पॉडकास्ट वीडियोस, ठीक है, और मेरा भी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में, तो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। और भाई के चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हो, नाम है किक्रिस भाई ब्लॉग्स, ठीक है, जाके देख सकते हो कंटेंट कैसा है। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कोई वीडियोस के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, चलो।